श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपको लगता है आपने सारे व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, परंतु यह उपाय मेरे लिए नहीं बने हैं, क्योंकि यह मेरे काम बनाते ही नहीं है, मेरे काम इनसे बनते ही नहीं है। तो गुरुवार के दिन आप सभी विशेष रूप से माता तुलसी का, हल्दी का और दीपक और चावल का यह सरल उपाय कर लेते हैं, तो आप मन में विश्वास रखिए कि मात्र 3 महीने में आपका कार्य बन ही जाना है। सच्चे भाव से कीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं यह उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि गुरु ग्रह जो है इन्हीं चीज़ों से जुड़ा है। खासतौर पर गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरु ग्रह जुड़ा होता है संतान मनचाहे प्रेम और वैवाहिक जीवन से। गुरु ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। कल गुरुवार का दिन है, पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। और माता तुलसी के लिए यह दिन होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में है। कल है श्री हरि विष्णु का दिन। तो आप सभी को यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। घर पे ही करना है, अपने घर के ही मंदिर जो माता तुलसी लगी है उन पर करना है। आप सभी को 11, 21 या 108 जितने भी दाने होंगे चावल के ले लेने हैं। चावल के दाने आपको हल्दी में रंग लेने हैं, ठीक है। पहले ही हल्दी में इन्हें रंग ले लिए, उसके बाद जो है आप सभी पहले अपने माता तुलसी की जैसी भी पूजा करते हैं उस विधि से कर लीजिए, अर्थात जल इत्यादि समर्पित करते हैं तो वह कर लीजिए। अब आप सभी को सबसे पहले एक लंबी बत्ती का घी का दीपक माता तुलसी के आगे समर्पित करना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और साथ ही आपके जो मन में कामना है ना, जो विशेष रूप से आपकी आराधना है, वह जो है आप सभी को स्मरण करना है, ध्यान करना है और ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अपना नाम और गोत्र का ध्यान करते हुए। अगर नाम और गोत्र ध्यान नहीं हो तो सिर्फ नाम बोल देंगे तो भी काफ़ी होगा। तो आप सभी को पहले ही आपने हल्दी में चावल रंग दिए हैं तो माता तुलसी में यह चीज़ें एक एक करके समर्पित करनी है। जैसे कि अभी पशुपति व्रत के दौरान गुरुदेव ने, जो उनकी कथा में पशुपति व्रत का अंश हुआ था अर्थात उन्होंने ज्ञान दिया था, तब गुरुदेव ने कहा था कि एक एक करके अगर चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे 108 चीज़ें पशुपति व्रत में हम चढ़ाते हैं, 108 कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे एक एक करके चढ़ाएं। जैसे हवन कुंड में हम चढ़ाते हैं एक एक करके, उसी विधि से ठीक आपको अपने मन की बात, अपना नाम गोत्र स्मरण करते हुए या तो 108 चावल के दाने या 21 या 51 सम संख्या में अर्थात इस तरह से लेना है और माता तुलसी में इन्हें डालते हुए चले आना है। इसके बाद झोली पसार कर भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी का नमन करना है, उन्हें प्रणाम करना है और माता तुलसी से कहना है, हे माता, आप माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में श्री हरि विष्णु से मेरे विवाह, मेरे संतान सुख और मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कहिए ना, उनसे कहें कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से यह सरल उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर ही या तो सुबह करें या शाम को जरूर से करना है। माता लक्ष्मी को, माँ तुलसी को, श्री हरि विष्णु को चावल अत्यधिक प्रिय है। गुरुवार के दिन चावल का दान करना, हल्दी का दान करना और इनसे किए गए कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं होते। तो आवश्यक रूप से यह उपाय करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। काफी सरल उपाय है, घर पर ही यह सामग्री आराम से उपलब्ध हो जाती है। तो जरूर से पूरे दिन में जब आपको समय मिले तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।